हे गाइस, वेलकम बैक टू माय पूजा रेड रोज चैनल। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है, तो आज है अष्टमी। आज है अष्टमी स्नान। तो असम में अष्टमी स्नान कैसे मनाते हैं, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अष्टमी स्नान का फेस्टिवल। तो सबसे पहले आज हम लोग जा रहे हैं घाट पे, मतलब नदी, जहाँ पे नदी होता है वहीं पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ जहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जो है अष्टमी स्नान। तो गाइस, नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है। जो नवरात्रि जो पूजा होता है वो स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो गाइस मैं बता दूँ, ये दुर्गा पूजा जो है स्टार्ट हुआ है, जो राम जी ने माँ दुर्गा का पूजा किया था वो भी पूजा स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। तो गाइस ये यहाँ पे असम में बहुत दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। असम के लोग, हम लोग बहुत धूमधाम से यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाते हैं। आप लोग कैसे मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अष्टमी स्नान के लिए भीड़ देख सकते हैं आप लोग, कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं मेला भी बैठा हुआ है सामने। और यहाँ पे साधु संत बहुत सारे लोग आते हैं, जो है साधु संत यहाँ पे जो मतलब अष्टमी स्नान करते हैं, जो लोग स्नान करते हैं, करने के बाद सबको भुज्जी दिया जाता है। भुज्जी में होता है मतलब भुज्जी मतलब चावल दाल मतलब आलू सब्जी ऐसे करके सब लोग भुज्जी जो घर से लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्नान करके यहाँ पे दही चीरा और दही चीरा मुड़ी ये सब खाया जाता है, जो है अष्टमी स्नान के बाद। तो देख सकते हैं भीड़ देखिए आप लोग, इस अष्टमी स्नान के लिए भीड़ कितना है यहाँ पे, भीड़ देख सकते हैं आप लोग। भीड़ देख के आप लोग समझ जाएंगे इतना ज़्यादा भीड़ है और इतना मतलब इतना लोग है अष्टमी स्नान के लिए, देख सकते आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं असम में रहती हूँ पर मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ ये वाला अष्टमी स्नान देखने के लिए। मैं कभी भी नहीं जाती हूँ गाइस, मेरे घर के सामने है फिर भी मैं नहीं जा पाती हूँ। तो इस बार मैं गई थी। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अष्टमी स्नान कैसे मतलब सेलिब्रेट करते हैं आप लोग के यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग नवरात्रि कैसे मना रहे हैं। तो देख सकते हैं भीड़ देख सकते हैं आप लोग, कितना ज़्यादा भीड़ है। और वीडियो आप लोग देखिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सुबह सुबह उठ के सिर्फ आप लोगों के लिए गई हूँ ब्लॉग करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को असम का हर फेस्टिवल दिखाऊँ आप लोगों को और आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ गाइस। तो प्लीज़ गाइस, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिसने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो गाइस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। और कैसा लगा और कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे साधु संत है, मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी, पूरा ब्लॉग देखिएगा आप लोग, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोग नहीं समझेंगे स्किप करने से। तो प्लीज़ गाइज स्किप ना करके आप लोग फुल वीडियो वॉच ज़रूर कीजिएगा। भय पाया है साल मैंने दो
लेट गए। ये तो लोकगुला देखा देखी साधु देख सकते हैं लामडिंग खिलुनपुर का जो नदी है बहुत बड़ा एरिया लेके है, मतलब बहुत बड़ा जगह लेके है। इसी नदी पे देख सकते हैं छठ पूजा होता है और इसी नदी से होके वन उत्सव भी जाया जाता है और इसी नदी पे देख सकते हैं आप लोग अष्टमी स्नान भी हो रहा है। तो सब लोग जगह जगह बैठे हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग जगह जगह यहाँ पे बैठ के जब अष्टमी स्नान हो जाता है उसके बाद खाया जाता है और कृष्ण जी को भी लाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं अष्टमी स्नान में। और सब लोग यहाँ पे उसके बाद नाचते हैं और कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं। देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत मतलब अभी तो नहीं जाती हूँ पर बचपन में एक बार मैं गई थी, बहुत छोटी थी तब, तब मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तो देख सकते हैं उसके बाद अष्टमी स्नान के बाद देख सकते हैं सब लोग दही चीरा ये सब खाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ देखिए आप लोग एक बार कितना ज़्यादा भीड़ है। आप लोग बहुत ज़्यादा भीड़ है और असम में ऐसे ही अष्टमी स्नान मनाया जाता है। आप लोग कैसे मनाते हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मतलब देख सकते हैं हम लोग की यहाँ पे जो नदी है ये बहुत बड़ा नदी है। देख सकते हैं बहुत बड़ा नदी जो है मतलब नदी पार का अजलूमपुर का बहुत बड़ा कनेक्ट करके ये नदी बहुत बड़ा है। जब मतलब तो गाइस इस नदी में कभी कभी क्या होता है जब बारिश होता है बारिश के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। अगर बारिश ना हो तो थोड़ा सा पानी कम जाता है, मतलब गर्मी के सीज़न में थोड़ा सा पानी सूख जाता है। तो देख सकते हैं पानी देखिए आप लोग बहुत एकदम क्लीन नीट एंड क्लीन जो है पानी है यहाँ पे। देख सकते हैं सब लोग पूजा कर रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चारों साइड में लोग इतने सारे लोग। और ये वाला अष्टमी स्नान जो है वो भोर में होता है, मतलब सुबह सुबह एकदम सुबह को ही अष्टमी स्नान मनाया जाता है। ये मतलब देर करके मनाया जाता है एकदम सुबह सुबह 3-4 बजे से स्टार्ट हो जाता है सुबह का। तो देख सकते हैं यहाँ पे अष्टमी स्नान का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। मैं बहुत दिन के बाद निकली हूँ और फाइनली मेरा तबीयत अभी ठीक होना स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो गाइस फाइनली शीतला पूजा भी आने वाला है और शीतला पूजा का हर दिन का ब्लॉग आने वाला है, जरूर देखिएगा गाइस। और शीतला पूजा में हम लोग दुकान खोलने वाले हैं तो दुकान का भी कितना क्या प्रिपरेशन है क्या नहीं है मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगी। अगर असम से है तो हमारे दुकान में ज़रूर विजिट कीजिएगा और मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं आप लोग भीड़ देखिए आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कीर्तन होगा, मैं आप लोगों को कीर्तन भी यहाँ पे दिखाऊंगी। देख सकते हैं देखिए एक बार आप लोग। और लोकेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सुबह का टाइम आप लोग घर से निकलेंगे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलता है हर टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं कीर्तन हो रहा है और सब लोग घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं आप लोग
बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सच में बहुत दिन के बाद निकली हूँ मैं घर से, आई थिंक मैं 2 महीने के बाद घर से निकली हूँ गाइस मेरा, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरा तबीयत कुछ दिन से ख़राब है, इस वजह से मैं घर से नहीं निकल पा रही हूँ और आज बहुत दिन के बाद निकली हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कीर्तन हो रहा है और बारिश तो हमारी यहाँ पे बारिश क्या बोलूँ आप लोगों को, कुछ दिन से रेगुलरली बारिश हो ही जा रही है, नॉन स्टॉप बारिश हो रहा है। आज मतलब भगवान का देन है कि आज सुबह बारिश नहीं हुआ सुबह को, इसलिए सब लोग अष्टमी स्नान को जा पा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ढोल बजा रहे और सब लोग नाच रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यह रुचि यहाँ पे चावल दाल आलू वगैरह सब्जी सब मतलब नहा के लिए रिचुअल्स होता है बंगाली का, बंगाली लोग का ये रिचुअल्स होता है गाइस कि नहाने के बाद सबको बुद्धि दिया जाता है, उसके बाद चीरा मूढ़ी दही दही ये सब वहीं पर बैठ के खाते हैं गाइस, नदी के सामने ही ये बैठ के खाया जाता है, ये रिचुअल्स होता है हमारा। तो देखिए ब्लॉग एंजॉय कीजिए, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिक्कड़ी में मत आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का ब्लॉग इतना ही, बाय गाइस, हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से सबको।